एक लड़के की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती है, पर उस लड़के के मदर को अच्छा नहीं लगा तो किसी और को हायर करती है उस लड़की से प्यार करने के लिए। उसे लगता था कि अगर वो लड़की किसी और से प्यार करेगी तो उसके बेटे को छोड़ देगी। इसी थीम के साथ आज की हमारी मूवी जमोन जमोन इन 1992 की एक फ्रेंच मूवी आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर सिल्विया को देखते हैं। वो एक अंडरगारमेंट के फैक्ट्री में काम करती थी। आज रात घर पर उसके फादर उसकी मदर से मिलने के लिए आए। उसकी मदर और फादर में बहुत बड़े झगड़े हैं। फादर उसकी मदर को मारा करते थे, तो इस वजह से मदर ने उसको बताया हुआ है कि फादर अगर आए तो उसे घर में मत लेना। फादर ने बहुत रिक्वेस्ट की, पर सिल्विया अपने फादर को घर में आने नहीं देती। वो गुस्सा हो गए और बाहर की सारी चीजें फोड़ने लग गए। थोड़ी देर में मदर घर पर आई। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। सारा तमाशा होने के बाद फादर यहाँ से चले जाते हैं। सिल्विया की मदर, वो और उसके साथ उसके दो सिस्टर्स भी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सिल्विया को उसके बॉयफ्रेंड लुइस के साथ देखते हैं। उसे बात करते करते उसे चक्कर आ गए। लुइस उसके लिए वरीड हो गया, पूछता है कि क्या हुआ। सिल्विया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो अब बहुत ही वरीड थी। अब इस बच्चे का क्या किया जाए, उसे लग रहा था शायद वो अबॉर्शन कर लेगी, पर लुइस उसे मना करता है। वो इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी था। सिल्विया ने कहा, पर तुम्हारी मदर कभी भी नहीं मानेगी। जिस फैक्ट्री में वो काम करती है, लुइस की मदर उसी फैक्ट्री की ओनर है। लुइस ने कहा कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। सिल्विया हमेशा लुइस के लिए ऑमलेट लेकर आती थी। वो कहता है, मुझे जिंदगी भर यही ऑमलेट खाने हैं। सिल्विया ने अपनी मदर को भी कुछ भी नहीं बताया था। जब उसे बताती है तो मदर भी उसके लिए बहुत वरीड थी। सिल्विया की मदर ने कहा कि लुइस की मदर तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सिल्विया कहती कि उनके घर पर एक पार्टी है, वहां पर हम जाएंगे और वहीं पर लुइस हमें इंट्रोड्यूस कराएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिल्विया की मदर एक्चुअल में एक सेक्स वर्कर थी। स्ट्रेंजली हमेशा लुइस उसके पास आया करता था। आज रात वो फिर से उसके पास आता है, कहता है कि मैंने सिल्विया को प्रपोज किया है। वो लास्ट टाइम उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। सिल्विया की मदर उसे मना करती है, पर वो मानता नहीं। फिर वो दोनों इंटीमेट हो गए। अब लुइस के घर पर जो पार्टी थी उसका दिन आया। यहाँ पर सिल्विया और उसकी मदर आए हुए थे। सिल्विया की मदर जाकर लुइस के फादर से बात करने लग गए। तभी सिल्विया लुइस और उसके मदर के पास थी। लुइस की मदर ने सिल्विया की मदर को देखा और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने उसे बहुत गालियाँ दी। ये सारी चीज़ें सिल्विया ने सुन ली। वो अपसेट होकर यहाँ से जाने लग गई। लुइस उसे रोकता है, कहता है मेरी मदर की वजह से मुझ पर गुस्सा मत हो। सिल्विया कहती है मेरी मदर की मजबूरी थी, उसी वजह से सारे काम वो किया करती थी, अब वो बदल चुकी है। लुइस उसे गले लगा लेता है। रात में सिल्विया बहुत ही अपसेट हो चुकी थी। उसकी मदर उसके पास आई। सिल्विया ने कहा, मुझे लग रहा है कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए। उसकी मदर उस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो जिंदा में तुम्हें मार डालूंगी। मदर का लॉजिक है। रात में जब लुइस घर पर आया तो उसकी मदर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो पूछती है, तुम सिल्विया को कब से डेट कर रहे हो? वो उसे उसके साथ नहीं देखना चाहती। लुइस ने कहा कि मैं उसे शादी करने वाला हूँ। मदर इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो उसे कहती है कभी भी इसको लेकर बात मत करना। मदर ने लुइस के फादर से बात की, सारी सिचुएशन समझाई। लुइस के फादर कहते कि मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो। अब मदर को लगता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसका इनर वेयर का ब्रांड है तो बहुत सारे मॉडल आया करते थे। उसमें से एक मॉडल को उसने चूज़ किया। उसके घर पर बहुत जाती है। उसे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, वैसे तो तुम्हारी स्किल से ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस मॉडल का नाम था राहुल। वो चाहती थी कि राहुल जाकर सिल्विया को सीड्यूस करे। वो फिर राहुल के चक्कर में लुइस का पीछा छोड़ देगी। इस काम के लिए वो बहुत सारे पैसे भी उसे देने वाली है। पैसों की वजह से राहुल भी इस बात के लिए मान जाता है। वो फिर रात में सिल्विया के घर पर पहुंचा। सिल्विया के पास बहुत सारे पिग्स थे, तो उसका एक पिग उसने फ्री कर दिया। उसे डायरेक्टली रोड पर वो छोड़ देता है। सिल्विया जब उसका आवाज़ सुनती है तो उसे बचाने के लिए बाहर आई, पर राहुल उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। पिग रस्ते पर आ गया था। राहुल ने बहुत ट्राई किया और उस पिग को बचा लेता है। सिल्विया ग्रेटफुल थी, तो राहुल कहता है क्या तुम मुझे बियर भी ऑफर नहीं करोगी? सिल्विया ने उसे बियर बाहर ही ला कर दी। वो कहता है क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? सिल्विया ने कहा मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ शादी करने वाली हूँ। राहुल उसे फ्लर्ट कर कर कहता है मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर सिल्विया ने कहा कि मुझे पड़ता है। वो उसे थोड़ा सा छेड़ कर फिर यहाँ से चला जाता है।
अगले दिन जब सिल्विया घर जा रही थी तो रास्ते में उसे फिर से मिलता है। सिल्विया उसे बात नहीं करना चाहती थी पर उसे फ्लर्ट करना वो छोड़ता नहीं तो गुस्से में वहां से चली गई। आज रात लुइस और सिल्विया एक क्लब में आए हुए थे। लुइस जरा टेंशन में था सिल्विया को लेकर, वो अपनी फैमिली को किस तरीके से बताए। यहीं पर डांस करते करते सिल्विया ने राहुल को नोटिस किया। वो उसे ही देख रहा था तो जरा अनकंफर्टेबल हो गई। लुइस से कहती है मुझे यहाँ से निकलना है। लुइस कहता है कि अभी तो हम आए, थोड़ा सा टाइम रुक जाते हैं। सिल्विया फिर अपने फ्रेंड के साथ वॉशरूम गई। वहीं पर उसका पीछा करते करते राहुल पहुंच गया। वो डायरेक्टली उसे किस कर लेता है। उसने उसे कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसके बाद वो चला जाता है। सिल्विया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, सारा गुस्सा है लुइस पर निकालती है। कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ पर फिर भी तुम अपनी मदर को बता नहीं सकते। लुइस ने उसे समझाया कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, ये मैं फादर को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं सब कुछ चीजें उन्हें समझा दूंगा। लुइस का प्लान था कि डॉग्स के लिए वो इनरवेयर बनाए। जब वे फादर को बताता है तो फादर इसे थोड़ा भी सीरियसली लेते नहीं। अब उसका यह प्लान फेल हो गया तो सिल्विया के बारे में उन्हें वो कुछ भी बता नहीं पाता। आज रात डिस्टर्ब होकर वो फिर से सिल्विया की मदर के पास आया हुआ था। उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था पर सिल्विया की मदर उसे मना करती है। वो बहुत ही परसिस्टेंट था तो फाइनली वो मान गए। नेक्स्ट सीन में हम राहुल और उसके फ्रेंड को देखते हैं। उन्हें बुल फाइटिंग बहुत अच्छी लगती थी। ये किसी और डेंजरस लोगों के ग्राउंड पर चले गए, इस गेम को एंजॉय करते। थोड़े टाइम बाद वो लोग यहाँ पर आ गए थे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, इन पर गन भी चला रहे थे। राहुल और उसके फ्रेंड ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने और वैसे ही वहां से वो भाग गए। सिल्विया का घर पास था तो यहाँ वो आ जाते। राहुल ने उसे हेल्प करने के लिए कहा, उन्हें कपड़े वगैरह देती है। राहुल ने कहा मेरे पैर गंदे हो गए, प्लीज मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो। वो उससे फिर से फ्लर्ट करने लग गया था तो सिल्विया उसे घर से बाहर निकाल देती है। बाहर से राहुल ने फिर से उसे आवाज लगाई, कहा तुम मुझे बहुत पसंद हो। उसके परसिस्टेंस से सिल्विया ने भी अब हंस दिया था। रात में उसे राहुल के ही सपने आते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम राहुल को लुइस की मदर से मिलता हुआ देख सकते हैं। लुइस की मदर प्रोग्रेस के बारे में पूछ रही थी। राहुल कहता है कि सिल्विया बहुत प्रीटी है, शायद मैं उसे लाइक करने लग जाओ। लुइस के मदर को भी राहुल बहुत अच्छा लगने लग गया था। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी पर राहुल उसे मना करता है। लुइस की मदर ने कहा तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। राहुल को भी एक नई बाइक चाहिए थी तो बाइक के लिए लुइस की मदर के साथ वो इंटीमेट हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस और उसके फादर बात कर रहे थे। लुइस के फादर ने कहा कि तुम्हें अपनी मदर से बात करनी चाहिए, सिल्विया एक बहुत अच्छी लड़की है, इस तरीके से तुम उसे जाने नहीं दे सकते। मदर के घर पर आने के बाद तो लुइस ने उसे बात करने की कोशिश की पर मदर कहती है कि उस लड़की का नाम भी मेरे सामने मत लाना। नेक्स्ट सीन में सिल्विया जब घर आ रही थी तो राहुल अपनी बाइक पर उसका पीछा करता है, कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। सिल्विया उसे मना करती है, वो कहता है जब तक तुम घर पर पहुंचोगी तब तक मैं इस बाइक से 100 चक्कर लगा सकता हूँ। सिल्विया मानती नहीं तो बार बार चक्कर वो लगाने लग जाता है। सिल्विया की छोटी सी सिस्टर जो घर के बाहर खेल रही थी उन्होंने नोटिस किया। ये बाइक देखने के लिए वो घर के बाहर आई और उनके पास एक पिक था। ये पिक उनके हाथ से छूट गया और रास्ते पर आ जाता है। राहुल बहुत स्पीड में था, पिक को बचाने के लिए उसने टर्न लिया और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सिल्विया भी भागते भागते राहुल के पास आई, उसका ख्याल रखती है, जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाती है। उसने अब रियलाइज किया कि राहुल को कुछ हो जाए ये आइडिया भी वो इमेजिन नहीं कर सकती। उसे वो प्यार करने लग गई थी। लुइस उसके लिए कुछ भी कमिटमेंट नहीं दिखाता, अपनी मदर से बात नहीं कर पा रहा तो उस पर वो गुस्सा थी। अब सिल्विया को लगता है कि वो राहुल से प्यार करती है तो जब वो लुइस से मिली तो उसे कह देती है कि शायद हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसने उसे ब्रेकअप कर लिया। लुइस इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। यहाँ पर बारिश आने लग गई थी और वैसे ही सिल्विया राहुल के पास पहुंची, उसे वो गले लगा लेती है। लुइस फिर से सिल्विया को मनाने के लिए आया हुआ था, उसने सिल्विया और राहुल को एक साथ देख लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जब घर पर आया तो उसकी मदर नोटिस करती है कि बहुत ही डिस्टर्ब है। लुइस मदर से कहता है कि सिल्विया अब किसी और के साथ है। रात में लुइस फिर से सिल्विया के पास आया पर सिल्विया राहुल के साथ थी। लुइस का पीछा करते करते उसकी मदर भी उसके पास आ गई थी। लुइस की मदर भी सिल्विया और राहुल को एक साथ देखती है और वो जेलस हो गई क्योंकि वो राहुल को लाइक करने लग गई थी। लुइस अपनी मदर से कहता है कि ये सब बहुत गलत है, सिल्विया मेरे बेटे से प्रेग्नेंट है। मदर कहती कि मैं जाकर उसे बात करती हूँ। उसने जाकर सिल्विया से कहा
तुम किसी और के साथ कैसे रह सकती हो? तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड की मदर हो। उसे सब कुछ सच बता देती है कि राहुल उसके साथ था सिर्फ पैसों के लिए। लुइस भी रो रो कर सिल्विया को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसे जब पता चला कि उसकी मदर ने क्या किया है तो कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगले दिन लुइस की मदर राहुल से मिलने के लिए आई। वो कहती है कि अब तुम सिल्विया से मिलना मत। राहुल कहता है कि जब भी मेरा मन हो मैं उसे मिल सकता हूँ, अब मैं उसे लाइक करता हूँ। लुइस की मदर कहती है, क्या तुम्हें पता है कि सिल्विया प्रेग्नेंट है? राहुल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लुइस की मदर ने कहा कि तुम्हारा सिल्विया से जो भी प्यार है वो सच नहीं, अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। राहुल को हमेशा से एक मर्सिडीज चाहिए थी, तो लुइस की मदर ने कहा कि अगर तुम उसे छोड़ देते हो तुम्हें मैं मर्सिडीज दे दूंगी। राहुल भी इस बात के लिए मान जाता है। लुइस की मदर और राहुल यहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुइस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और सिल्विया की मदर के पास फिर से आया। सिल्विया की मदर उसे कोई भी रिलेशनशिप रखने के लिए मना कर देती है। लुइस कहकर गया था कि वो राहुल को मार डालेगा। सिल्विया उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है पर ढूंढ नहीं पाती है। वो फिर डायरेक्टली लुइस के फादर के पास आए। सारी सिचुएशन उन्हें समझा देती है, कहती है कि प्लीज़ लुइस को रोक लो। मूवी में हमने देखा था कि फादर ने लुइस से कहा था कि सिल्विया एक बहुत अच्छी लड़की है, उसे तुम जाने मत देना। अब हमें पता चलता है कि फादर एक्चुअल में सिल्विया को लाइक करते थे। वो डायरेक्टली उसे किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लुइस राहुल को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचा। यहाँ पर वो देखता है कि राहुल उसकी मदर के साथ था। ये देखकर इन दोनों में बहुत फाइट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया और इस हमले में लुइस की डेथ हो जाती है। राहुल ये देखकर बहुत पछताया। लुइस की मदर बहुत रोती है, रिग्रेट करती है कि उसने ऐसा क्यों किया। सारे लोगों ने बहुत पछतावा किया। सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए उनकी लाइफ से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन चला गया। आज की मूवी सोसाइटी में जो भी अफेयर्स होते हैं ये कितने अपसर्ड है, इस पर एक बड़ा सा कमेंट करती है। अगर हम इसे ऑब्जेक्टिवली देखें तो इस मूवी की तरह इनमें कोई भी सेंस नहीं, ये हमें बता कर जाती है। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।